फ्रेंड्स हमने टीजीटी पीजीटी के सभी राइटर्स को कवर कर लिया है आप हमारे चैनल पर सभी राइटर्स के इम्पोर्टेंट एम सीरीज़ की वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स आज हम लिटरेरी टर्म्स के प्रीवियस ईयर आज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एम के पार्ट थर्ड को स्टडी करेंगे फ्रेंड्स सभी एम बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए फ़्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम सी क्यू नंबर फोर्टी वन द टर्म कर्टल सोनेट वॉज कॉइन बाई फ्रेंड्स पूछा गया एक टर्म है कर्टल सोनेट उसको किसने कॉइन किया है ऑप्शन नंबर ए है जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर बी है विलियम ब्लैक ऑप्शन नंबर सी है गार्ड मैनले हॉपकिंस ऑप्शन नंबर डी है मैथ्यू आर्नोल्ड वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गर्ड मैनले हॉपकिंस फ्रेंड कर्टल सोनेट ग्यारे लाइन्स का होता है और इसको कॉइन किया है गैराड मैनले हॉपकिंस ने नाउ MCQ number क्यू नंबर फोर्टी टू एलियट यूज हिज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज फ्रेंड्स पूछा है यहाँ पर के जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इलियट ने उसे किस एसे में यूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए है द मेटाफिजिकल पॉइंट्स ऑप्शन नंबर बी है हेमलेट ऑप्शन नंबर सी है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट ऑप्शन नंबर डी है दानते वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हैमलेट फ्रेंड ये जो ऐसए है हेमलेट इसका पूरा नाम है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम फ्रेंड ये टर्म है ऑब्जेक्टिव को इसको सबसे पहले यूज किया है वाशिंगटन एल्स्टन ने नाउ एम सी क्यू नंबर फोर्टी थ्री द टर्म द कॉमेडी ऑफ मैनेस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ फ्रेंड यहाँ पूछा गया है टर्म है द कॉमेडी ऑफ मैनेज पूछा गया है वो किस राइटर के अर्ली प्लेज से एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर ए है हेरोल्ड वेस्कर ऑप्शन नंबर बी है जॉन अर्डन ऑप्शन नंबर सी है हेरोल्ड पिंटर ऑप्शन नंबर डी है डेविड हेयर और फिर भी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेरोल्ड पिंटर नाउ एम सी नंबर फोर्टी फोर इन अ पोयम अ लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप या और क्या हो सकती है ऑप्शन नंबर ए राइम्ड ऑप्शन नंबर ब्रोकन ऑप्शन नंबर सी असेंटेड नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी रन ऑन एंड स्टॉप्ड और रन ऑन नाउ एम सी के नंबर फोर्टी फाइव एन एपीलॉग इज फ्रेंड पूछा एपिल क्या है ऑप्शन नंबर ए है प्रिफिक्स टू अ टेक्सट विच इज इंट्रोड्यूसिस ऑप्शन नंबर बी है सफ़िक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स ऑप्शन नंबर सी है अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मेली बिगिनस अ बुक ऑप्शन नंबर डी है अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट बीयर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट एट हैंड सो वॉट इज एपी फ्रेंड फ्रेंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंस नाउ एम सी के नंबर फोर्टी सिक्स इन अरिस्टोटल्स पोइटिक्स वी रीड दैट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कम्प्लीट एंड होल एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग अ बिगनिंग अडल एंड एन एंड वॉट इज इट यह क्या है फ्रेंड्स आपको हम बता दें ये अरिस्टोटल जो हैं इनका एक वर्क है पोइटिक्स इन्होंने ये डेफिनेशन दी है एक किसकी डेफिनेशन दी है ऑप्शन नंबर ए ट्रेजडी ऑप्शन नंबर बी है एपिक ऑप्शन नंबर सी है पोइट्री ऑप्शन नंबर डी है फार्स फ्रेंड्स ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है आगे भी कई बार आनी है फ्रेंड्स ये डेफिनेशन क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछी गई है फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेस डी फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं सो तो आप के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा नाउ एम नंबर फोर्टी वॉट इज अ मॉक हीरोइक पोयम अ मॉक हीरोइक पोयम क्या कंसिस्ट करती है फ्रेंड्स ये फोर ऑप्शन दे रखे हैं ये काफी लेंथी है तो उसको आपडेट कर लीजिए वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड्स अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी यूज आ हीरोइक स्टाइल टू डराइड एयर्स एंड अफेक्शंस तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है नाओ एम सी के नंबर फोर्टी एट एनी ड्रामा एन एसाइड इज एड्रेस्ड फ्रेंड्स यहाँ पुछा है ड्रामा के अंदर एसाइड वो क्या एड्रेस करती है ऑप्शन नंबर ए है टू एन ऑडियंस बाई एन एक्टर द वर्ड ऑ स्पोकन आर नाट मीन टू बी हियड बाई अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज ऑप्शन नंबर बी है टू अदर एक्टर्स ऑफ द स्टेज दैट वर्ड्स ऑ स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हियर्ड बाई द ऑडियंस ऑप्शन नंबर सी है बाय द प्ले राइट टू द ऑडियंस ऑप्शन नंबर डी है बाय द प्रोटेगोनिस्ट टू हिज हर एंटेगोनिस्ट फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टू एन ऑडियंस बाई एन एक्टर द वर्ड्सपोकन आर नॉट मीन टू बी हियर्ड बाई अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज नाउ एम सी के नंबर फोर्टी नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डस्ट्रक्शन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहे हैं फोर ऑप्शन दे रखे हैं एक टर्म एंडंस्ट्रक्शन उसको कौन सा ऑप्शन बेस्ट डेस्क्राइब करता है ऑप्शन नंबर ए है इट्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्स ऑप्शन नंबर बी है इट एडवोकेट सब्जेक्टिव और फ्री इंटरप्रटेशन ऑप्शन नंबर सी है इट एम्पेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ अ मैथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस नाउ एम सी क्यू नंबर फिफ्टी लैक्सिस जो है वो किसको रेफर करता है ऑप्शन नंबर ए ऑल वर्ड फॉर्म्स ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑप्शन नंबर बी है द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स ऑप्शन नंबर सी है स्टडी ऑफ सेलेक्टेड वर्ड फॉर्म्स ऑप्शन नंबर डी है द सिलेक्शन ऑफ वर्ड लैक्सिस किसको रेफर करता है फ्रेंड वॉट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑल वर्ड्स फॉर्म हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस जितने भी वर्ड होते हैं इंग्लिश के उनका या तो कोई मीनिंग होता है या तो फिर ग्रामेटिकल वर्क होता है दैट इज कॉल्ड लेक्सिस नाउ एम सी के नंबर फिफ्टी वन द लाइन शी वॉज अ वर्थि वूमे लाइव हाउस बोन जो शी हैड फाइव आर एन एग्जाम्पल और पूछा किसका एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर ब्लैंक वर्ड्स ऑप्शन नंबर बी है क्लेर ऑप्शन नंबर सी है हीरोइक कपलेट. ऑप्शन नंबर डी है फ्री वर्ड्स. वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरोइक कपलेट नाउ एम सी नंबर फिफ्टी टू वो अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स फ्रेंड पूछा गया कौन सा राइटर हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग नहीं करते हैं ऑप्शन नंबर ए है जॉन लिली ऑप्शन नंबर बी है थॉमस नैश ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज पील ऑप्शन नंबर डी है थॉमस किड वाट विल यू दैक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड्स आपको हम बता दें यूनिवर्सिटी विट से जो बिलोंग नहीं करते हैं वो हैं थॉमस किड लेकिन फ्रेंड्स ये किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं ठीक है यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी विट्स किसे कहते हैं सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की तो यूनिवर्सिटी विट्स उन राइटर्स को कहते हैं जिन्होंने एजुकेशन ली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और वो फेमस राइटर्स बन गए थे फ्रेंड्स उनमें हम काउंट करते हैं मार्लो ग्रीन और नैश इन्होंने एजुकेशन ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लिली लॉज और पील इन्होंने एजुकेशन ली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ्रेंड्स यहाँ पर किडने ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नॉलेज ली है और ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली है लेकिन इनको हम काउंट करते हैं कई जगह पर यूनिवर्सिटी विट्स में लेकिन अगर हम यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करें तो थॉमस किड ने किसी भी यूनिवर्सिटी से इनमें से एजुकेशन नहीं ली है तो करेक्ट आंसर थॉमस किड भी हो सकता है लेकिन ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आप देख सकते हैं यू जी दिसंबर दो में आया हुआ है और उन्होंने उस टाइम पर थॉमस किड को ही सही आंसर माना था बाकी आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से नाउ एम सी के नंबर फिफ्टी थ्री अ सोलेंट कंसिस्ट ऑफ कर्टल सोनेट जो है कितने लाइन कंसिस्ट करता है ऑप्शन नंबर ए है इलेवन लाइन्स ऑप्शन नंबर बी है ट्वेल्व लाइन्स ऑप्शन नंबर सी है थर्टीन लाइन्स ऑप्शन नंबर डी है फोर्टीन लाइन्स वॉट द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेवन लाइन्स करटल सोनेट में फ्रेंड्स इलेवन लाइन होती हैं फ्रेंड करटल सोनेट को इन्वेंट किया है गैराड मैनले ने फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड हाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप नाउ एम सी के नंबर फिफ्टी फोर द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम वाज कॉइन बाई फ्रेंड पूछ रहा है टर्म जो है इगोटिस्टिकल सबलाइम उसको किसने कोइन किया है ऑप्शन नंबर ए एस टी कॉलिज ऑप्शन नंबर बी है जॉन कीट्स ऑप्शन नंबर सी है विलियम वर्सवर्थ ऑप्शन नंबर डी है विलियम हैसलेट वॉट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन कीड्स इकोटिस्टिकल सबलाइम को कॉइन किया है जॉन कीड्स ने नाउ एम सी क्यू नंबर फिफ्टी फाइव वे आर सर थॉमस वी आर एडेप्टेड पेट्रार्क एंड पेट्रार्कनिज्म इंग्लिश साउंडस एंड मीटर्स सर इज वर्स टैन टू लुक बैक बियड पेट्रॉक टू द ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच वर्ड्स ऑप्शन नंबर बटालियन वर्ड्स ऑप्शन नंबर सी है स्पेनिश वर्ड ऑप्शन नंबर डी है लैटिन वर्ड्स फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नंबर डी लैटिन वर्स नाउ द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन बाई फ्रेंड टर्म है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इसको किसने कॉइन किया है ऑप्शन नंबर ए है विलियम एम्पसन ऑप्शन नंबर बी है वी के विम्पसेट जूनियर ऑप्शन नंबर सी है आई ए रिचर्ड ऑप्शन नंबर डी है एफ आर लिविज किसने कॉइन किया है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आई ए रिचर्ड्स फ्रेंड आई ए रिचर्ड्स का एक वर्क है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसी वर्क में इन्होंने जो टर्म है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को कॉइन किया है फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज कि आई ए रिचर्ड्स का जो ये नाम है इनका पूरा नाम क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है आई ए रिचर्ड्स की नाउ एम सी क्यू नंबर फिफ्टी सेवन आसरियन स्टेंजा हैज फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया स्पेंसरियन स्टेंजा में क्या होता है ऑप्शन नंबर ए फोर आई पेंटामीटर्स ऑप्शन नंबर बी है सिक्स आई पेंटामीटर्स ऑप्शन नंबर सी है एट आई पेंटामीटर्स ऑप्शन नंबर डी है टेन आई पेंटामीटर्स वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंडेंसरियन स्टेंजा हैीटर्स नाउ एम सी एमसीक्यू नंबर फिफ्टी एट आर वर्ड्स दैट हारमोनियम्स को ही फ्रेंड हम होमोफोन्स कहते हैं उसको तो आप जानते हैं इसको रीड कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा वो बता दीजिए होमोफोन्स काफ़ी आप पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे होमोफोन्स क्या होते हैं होमोफोन्स होते हैं जो साउंड सेम हो लेकिन जो मीनिंग हो वर्ड्स का वो डिफरेंट हो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर स्पेल्ड सिमिलरली बट डिफरेंट मीनिंग स्पेल्ड तो हम सेम करेंगे लेकिन डिफरेंट क्या होगी उसकी मीनिंग होगी नाउ एम सी नंबर फिफ्टी नाइन मिस्ट्री एंड मेरेकल प्लेस इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड थे मेरेकल एंड मिस्ट्री प्ले ऑप्शन नंबर ए है इंग्लिश फॉल क्लोर ऑप्शन नंबर बी है इंग्लिश लीजेंड्स ऑप्शन नंबर सी है मिब्लिकल स्टोरीज ऑप्शन नंबर डी है एंग्लो सैक्शन मिथ्स ये तो फ्रेंड आप जानते ही हैं मिस्ट्री प्ले और मेरेकल प्ले किस पर बेस्ड होते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोरीज नाउ एम सी नंबर सिक्सटी द टर्म वुमेनज्म वॉज फर्स्ट यूज बाई फ्रेंड टर्म है वुमेनिज्म उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज किया था ऑप्शन नंबर ए है हेलेन सिक्सियस ऑप्शन नंबर बी है गायत्री स्पी ऑप्शन नंबर सी है कैटमिलेट ऑप्शन नंबर डी है एलिस वॉकोर वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एलिस वॉकर फ्रेंड्स आपको हम बता दें एलिस वॉकर ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है कमिंग ए इसी वर्क में इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया है जो तो टर्म है वुमेनिज़्म फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतने एम सी को ही कवर करेंगे फ्रेंड इस तरह हमारा आज पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया है और हमने सिक्सटी एम सी को कवर कर लिया है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू